महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा की महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ की गई शिकायत पर संसद की विशेष अधिकार समिति जांच करती नजर आएगी। बड़ी खबर है दोस्तों, इस पर 23 मई को समिति सुनवाई करेगी। इसके लिए समिति ने नवनीत राणा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच थोड़ी देर पहले जहाँ पर सोमवार शाम 5:30 बजे नवनीत राणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने वाली, ऐसी खबरें भी थी। सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई और सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप हुए गलत व्यवहार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी। अपनी शिकायत में नवनीत राणा ने कहा था कि उन्हें पानी तक नहीं दिया गया था, वॉशरूम का इस्तेमाल करने से भी रोका गया था। इस शिकायत को ध्यान में रखकर लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी जांच का काम सांसद की विशेषाधिकार समिति को सौंपा था। समिति की ओर से जांच शुरू है। इसी सिलसिले में विशेषाधिकार समिति ने नवनीत राणा को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको जानकारी दे दें दोस्तों, राजद्रोह के आरोप में अरेस्ट होने के बाद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेंसर्स कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी। उन शर्तों में कहा गया था कि ये मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन 9 मई सरकारी वकील प्रदीप राणा घरत ने मुंबई सेंसर्स कोर्ट में कथित शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से जमानत खारिज करने की अपील की। इस याचिका पर मुंबई सेंसर्स कोर्ट ने राणा दंपत्ति को नोटिस भेजकर पूछा था कि क्यों ना आपकी जमानत रद्द की जाए। जवाब देने के लिए 18 मई तक का समय दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से इस बीच शिवसेना नवनीत राणा के खिलाफ एक बार फिर आक्रामक हो गई है। आज बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेड़नेकर और शिवसेना नेता मनीषा कायंदे लीलावती अस्पताल पहुंच गईं। उन्होंने अस्पताल के मैनेजमेंट से ये सवाल उठाया कि नवनीत राणा की MRI रिपोर्ट किए जाने से वक्त से जुड़ा वीडियो और फोटो बाहर कैसे आया। दोनों अस्पताल से नवनीत राणा की MRI रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। दोनों शिवसेना नेता ने संदेह जताया कि नवनीत राणा की MRI जांच हुई भी है या नहीं। इसके जवाब में नवनीत राणा ने मीडिया में बातचीत में कहा कि हमने कभी उद्धव ठाकरे की रिपोर्ट मांगी है क्या? फिर मेरी बीमारी से जुड़ी रिपोर्ट कोई और कैसे मांग सकता है? पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुझे अपनी बीमारी को रिपोर्ट दिखाएं। इस बीच मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों की एक टीम आज राणा दंपत्ति के मुंबई के खार इलाके में मौजूद घर पर पहुंची। पूरे घर का जायजा लिया गया और पाया गया कि राणा दंपत्ति ने घर के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन किया है। अब BMC इस मामले में राणा दंपत्ति को नोटिस भेजने वाली है। ऐसी कई और खबरें सामने आ रही, देखते हैं दोस्तों राणा दंपत्ति यानी नवनीत राणा मामले पर और क्या खुलासे होते हैं। बने रहे चैनल के साथ नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।